हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैगी कॉर्न मसाला बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और सबसे आसान तरीका है मैगी कॉर्न मसाला बनाने का। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैगी कॉर्न मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है मैगी स्पेशल मसाला पैकेट। इसमें अलग अलग स्टेट्स के चटपटे स्पाइसेस डाले गए हैं। इसके पैकेट में जो मसाला रहता है उससे मैगी बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है, इसलिए मैं हमेशा यही पैकेट यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो येलो वाला पैकेट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसी को प्रिफ़र करती हूँ हमेशा। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैगी स्पेशल मसाला नूडल्स। हमने गैस ऑन कर चुके हैं, हम अभी इसमें ऑयल डालेंगे। ये 3 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम इस पे 1/2 टीस्पून जीरा डाल रहे हैं। इसके बाद हम कड़ी पत्ता डालेंगे थोड़ा। इसके बाद हम ये स्वीट कॉर्न डालेंगे। इसको हमें थोड़ा होने देना है, थोड़ा हल्का सा पकने देना है। स्वीट कॉर्न को हमने 1 मिनट पका लिया है। इसके बाद हम प्याज डाल रहे हैं। 2 बड़े साइज की प्याज डाले हैं हमने, बारीक काट कर। इसको भी हमें 2 मिनट तक पका लेना है। प्याज फ्राई हो चुकी है अभी। इसमें डालेंगे हम 2 टमाटर बारीक काट कर। इसे भी हमें पका लेना है 1-2 मिनट तक, नरम होने तक। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। टमाटर के साथ हमें ये शिमला मिर्च लिया हमने मीडियम साइज के, इसको भी पका लेना है। थोड़ा नरम होने तक पकाना है हमें। ये टमाटर और मिर्च भी पक चुके हैं। इसके बाद अभी हम हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून छोटे चम्मच से। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच छोटे चम्मच से। और नमक डाल रहे हैं हम 1/2 टीस्पून छोटे चम्मच से। इसको भी हमें अभी मिला लेना है। हम अभी इसमें मैगी मसाला पैकेट डाल लेंगे। हमने 2 पैकेट लिया है इसलिए 2 पैकेट मसाला डालेंगे। इसको भी मिला लेंगे। अभी 2 कप पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद हमें इस तरह अच्छे से इसको मिला लेना है एक बार, ताकि वो मसाला मैगी मसाला अच्छे से मिल जाए इसमें। पानी उबल चुका है, अभी हम ये मैगी डाल देंगे इसमें और इसको आप इसको फोड़ के भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। मैगी डालने के बाद ये मैगी नरम हो चुकी है। इसके बाद हम इस तरह से इसे तोड़ लेंगे। अभी ये 1 मिनट पक चुकी है। अभी ढक्कन ढकने के बाद 1 मिनट और हमें इसे पकाना है। 2 मिनट पकाना है मैगी को। ढक्कन ढककर 1 मिनट हो चुका है। अभी ढक्कन को निकाल लेंगे और मैगी को एक बार ऐसे मिला लेते हैं। देखिए मैगी कितनी अच्छी तरह ये पक गई है। ये सूख चुका है पानी भी इसका। अभी इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैगी कॉर्न मसाला कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। देखिए, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।